गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे विल भी डूइंग योर चैप्टर नंबर फोर्टीन ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर कन्जंक्शंस क्लास एट सो थोड़ा सा ब्रेक मिल गया आप लोगों को है ना तो so, वो आज कॉन्टीन्यू करते हैं एंड जल्दी से ख़त्म करेंगे अच्छे से खत्म करेंगे एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सो तुम डेली लाइफ में भी ऐसे वर्ड यूज़ करते हो ईज़िली जो कन्जक्शन हो कंजंक्शंस होते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है ध्यान से सुनते जाना और ध्यान से देखते जाना जो भी मैं बताऊंगी तो कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन जॉइन सेपरेट वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लाउसेज और सेंटेंसेज कंजंक्शन मेक्स द स्पीच सिंपलर शॉर्टर एंड मोर पॉइंटेड तो बेसिकली कंजंक्शंस का यूज़ किया क्या होता है उन्हें एक वो वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो आप जो कि दो शब्दों को या तो जोड़ते हैं या अलग करते हैं और सिर्फ शब्दों को ही नहीं वो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं या क्लॉजेस को भी जोड़ सकते हैं ठीक है अब कैसे कैसे जोड़ेंगे या कैसे कैसे अलग करेंगे वो हम अभी देखेंगे और बेसिकली इनका यूज़ इसलिए होता है ताकि ये हमारी कॉन्वर्जेसन को या हमारी बात को थोड़ा छोटा रख सकें हम और उसे पॉइंटेड रख सकें पॉइंटेड मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रख सकें जो हमें बोलना है बिल्कुल सीधे सीधे बोलेंगे हम ठीक है कंजंक्शन में एग्जाम्पल देखो बर्ड्स फ्लाई बट फिश स्विम तो यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई अपने आप में एक बात है कि चिड़िया उड़ती हैं और फिश स्विम एक अलग बात है कि मछलियाँ तैरती हैं तो उसको हमने एक किस शब्द से अलग किया हमने अलग किया बट बोल के कि बर्ड्स तो उड़ती हैं लेकिन मछलियाँ जो हैं वो तैरती हैं तो बट जो है यहाँ पे क्या हो गया कंजंक्शन हो गया ही इज़ नॉट ओनली एक्टिव बट ऑल्सो स्मार्ट ठीक है वो सिर्फ एक्टिव नहीं है उसमें ही जो है तुम्हारा कंजंक्शन हुआ बट ऑल्सो क्योंकि उसने क्या बोला वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है पर आपको बोलना है कि वो स्मार्ट भी अब इंस्टेड ऑफ आप एक अलग ही सेंटेंस यूज करो कि ही इज एक्टिव एंड ही इज़ स्मार्ट ठीक है या फिर ही इज़ एक्टिव फुल स्टॉप ही स्मार्ट ठीक है तो उसको हमने जोड़ के क्या बोल दिया हमने बोल दिया ही इज नॉट ओनली एक्टिव मतलब वो सिर्फ एक्टिव ही नहीं वो बहुत स्मार्ट भी है तो बट ऑल्सो इज ऑल्सो अ कंजंक्शन शी सॉ पेंटिंग एंड अप्रिशिएटेड उसने ये पेंटिंग देखी ठीक है देखी अपने आप में एक सेंटेंस है अप्रिशिएट क्या ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया ठीक है अपने आप में एक बात है कि उसने पेंटिंग अप्रिशिएट की और उसने पेंटिंग देखी दो अलग बातें हैं उसको जोड़ दिया हमने कि शी सॉ द पेंटिंग एंड अप्रिशिएटेड इट उसने पेंटिंग देखी और उसकी तारीफ करी तो एंड आपका फिर से दो सेंटेंसेस या दो बातों को जोड़ रहा है कंजंक्शंस आर ओनली जॉइनिंग वर्ड्स दे परफॉर्म नो अदर फंक्शन कंजंक्शंस बेसिकली दो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं वो उसके अलावा एज सच कोई फंक्शन नहीं करते बेटा ये जो मैंने बोला था ना कैन जॉइन सेपरेट वर्ड्स वो सेपरेशन नहीं करवा रहे थे वो ज्वाइन ही कर रहे थे ठीक है ये चीज याद रखना ठीक है आ, वो मेरी बात को मिसअंडरस्टूड हो सकता है तो वो सिर्फ जॉइनिंग का, का काम करते हैं कुछ सेपरेट नहीं करते जॉइन ही कर रहे हैं वो दो सेंटेंसेस को जॉइन कर रहे हैं दो वर्ड्स को जॉइन कर रहे हैं दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन कर, कर रहे हैं वो क्लॉसेस को जॉइन कर रहे हैं ठीक है कंजंक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स अप एंड डाउन कर रहा है एंड बिग एंड स्मॉल ग्रीन एंड ब्लू इंडोर एंड आउटडोर रिच बट ग्रीडी पुअर बट कंटेंडेड ठीक है ये सब जो है ये बट एंड ये सब क्या है ये कंजंक्शन है दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं रिच बट ग्रीडी मतलब अमीर है पर लालची है पुअर बट कंटेंडेड गरीब है लेकिन ईमानदार है ठीक है लालची नहीं है वो ईमानदार है वो खुश है जो भी कर रहा है अपना अच्छे से कर रहा है कंजंक्शन जॉइन टू फ्रेजेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज वेल फ्रेजेस को भी जोड़ता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे टू मच फूड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज मेड श्याम फैट टू मच फूड बहुत ज़्यादा खाना अपने आप में एक फ्रेज है या वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड यहाँ पे कंजंक्शन जोड़ा जा रहा है एंड कैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज मेड श्याम फैट ये भी अपने आप में एक ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर फ्रेज हो गया तो इनको जोड़ दिया टू मच फूड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज मेड श्याम फैट मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने से और कम एक्सरसाइज करने से शाम जो है मोटा हो गया हेयर द कंजंक्शन एंड ज्वाइन टू वर्ड टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मच फूड लैक ऑफ एक्सरसाइज ये दो फ्रेजेज या ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड जो हैं वो ज्वाइन हो रहे थे अ कंजंक्शन ज्वाइंस टू सेंटेंसेज दो सेंटेंसेज भी ज्वाइन हो रहे हैं एग्जाम्पल ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट वो गरीब जरूर है पर वो बहुत ईमानदार है ऑनेस्ट है तो ये कैसे जोड़ दिया है वो ही इज पुअर येट येट का मतलब क्या हो जाता है पर फिर भी वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है Here a conjunction yet joins two sentences. ठीक है, he's poor, he's honest. ये दो अलग-अलग हो सकते थे, उसको जोड़ दिया क्लास इज ओवर मैं वापस आऊंगा जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आई विल रिटर्न अपने आप में एक क्लॉज है और द क्लास इज ओवर अपने आप में क्लॉज है उनको जोड़ दिया उसने कैसे मैं वापस आऊंगा जब क्लास ओवर हो जाएगी तो आई विल रिटर्न आफ्टर क्लासेज ओवर दस वी कैन सी कंजंक्शन ज्वाइन टूगेदर ऑफन मेक देंटेंस मोर कॉम्पैक्ट तो इससे हमें पता लगता है कि वो सेंटें को ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और फ्रेजेस या क्लॉजेस को एक साथ जोड़ते हैं और हमारी बात को थोड़ा कॉम्पैक्ट या छोटा कर देते हैं ठीक है आगे देखेंगे कंजंक्शंस के काइंड यानी कि टाइप्स ऑफ कंजंक्शन तो काइंड ऑफ कंजंक्शन में सबसे पहला हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है द वर्ड कोर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग मीन्स ऑफ इक्वल रैंक इक्वल ठीक है उसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग मतलब होता है इक्वल रैंक पे होना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन टू क्लॉजेस और ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ इक्वल रैंक दीज आर एंड बट और नॉट ईदर फॉर येट स्टिल सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों एंड बट और नॉर नीदर फॉर येट स्टिल सो एक्सेट्रा ये सब क्या है आपके ये आपके बिल्कुल आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्यों क्योंकि ये उन दो क्लाउजेज और ग्रामेटिकल यूनिट्स को जोड़ते हैं जो कि इक्वल रैंक के होते हैं ठीक है आप कन, जो ये जैसे हॉर्स गैलोब्ड एंड वैनिश्ड इन नो टाइम हॉर्स हॉर्स जो है हमें दिखा और वो वैनिश हो गया एकदम से मतलब हॉर्स एकदम से अपियर हुआ और जैसे ही हमने उसे देखा वो गायब हो गया तो उसको जोड़ दिया हॉर्स गैलोफ डैन मैनेज इन नो टाइम अब इसके भी टाइप्स हैं कोऑर्डिनेटिंग के भी सब टाइप्स हैं ये तो हमारा टाइप वन है ठीक है और ये फिर हमारा इसी में ये हमारा हो गया आपका सब टाइप सब टाइप वन सब टाइप टू सब टाइप थ्री और सब टाइप फोर तो चार सब टाइप्स है और कॉप्यूलेटिव कंजंक्शन जी कंजंक्शन सिंपली ज्वाइन वन स्टेटमेंट टू अदर दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं क्यूमलेटिव और कॉप्यूलेटिव कैसे बर्ड्स ओपन देयर आईज एंड टर्न इन टू ब्यूटिफुल बर्ड्स जो है बर्ड्स बच्चों मतलब वो ऐसे नहीं कि बर्ड्स आप सोचो कोई जानवर है बर्ड्स जो होते हैं कलियाँ बोलते हैं छोटी छोटी फूलों की कलियों को बर्ड्स बोला जाता है तो बर्ड्स ने अपनी आंखें खोली और वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर में टर्न हो गए मतलब वो उसकी बात करें कि कली खिली और वो एक सुंदर से फूल में टर्न हो गई तो उसको हमने जोड़ के ये बनाया एंड जो है यहाँ पे वो क्यूमलेटिव या कॉपिलेटिव कंजंक्शन है एडवर्स एडवर्सेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं शोइंग ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट ठीक है ये तो जो है सिंपली ज्वाइन कर रहा था बस ज्वाइन करा हो उसने उसका कुछ काम नहीं था पर ये उन स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करेगा जो एक दूसरे को अपोज कर रही होंगी कैसे देखो द हाउस इज ओल्ड बट मैग्निफिशेंट एक तरफ तो वो कह रहा है कि जो घर है वो पुराना है पर एक तरफ वो कह रहा है वो बहुत मैग्निफिशेंट है मैग्निफिशेंट मतलब होता है बहुत अद्भुत ठीक है बहुत सुंदर अद्भुत अद्भुत इज द एग्जैक्ट वर्ड बच्चों ठीक है तो घर जो है पुराना है ये क्या बात हो होगी कि हाँ घर पुराना है लेकिन मैग्निफिशेंट क्या तारीफ हो गई तो ये दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने वाले को हम क्या बोलेंगे एडवर्सेटिव कन्जंक्शन ऑल्टरनेटिव वो कंजंक्शंस है दैट एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव दो अल्टरनेटिव है मैंने बोला कि मैं तुम्हें दो चॉइसज दे रही हूँ ये मैंने तुम्हें दो ऑल्टरनेटिव दिए चॉइस यानी कि ऑल्टरनेटिव दो ऑप्शन उन दो ऑप्शन को जो जोड़ रहा है उसे आप क्या बोलोगे ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव शब्द में ही आ गया तो तुम्हें समझना है देखो शी मस्ट वीप और शी विल डाई ठीक है वीप का मतलब होता है थोड़ा रोना ठीक है तो शी मस्ट वीप यानी कि उसे थोड़ा रोना है या वो मर जाएगी ठीक है ये क्या ऑप्शन हो गया या तो वो रोएगी या वो मर जाएगी ये तो उसने ऑप्शन दिए तो उसने दो ऑप्शंस को जोड़ दिया दो ऑल्टरनेटिव को दो चॉइसेस को जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन इलेटिव कंजंक्शन हो गए वो कंजंक्शन जो एक इंटरफेरेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं पोट्राई है, कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं कैसे इंटरफेरेंस ऑल प्रिकॉशंस मस्ट है एपिडेमिक स्प्रेड रैपिडली अमंग द मासेस ठीक है मतलब कि सारी प्रिकॉशंस जो है बहुत, मतलब नेग्लेक्ट करी गई होंगी तभी जो है एपिडेमिक जो है बहुत स्प्रे, रैपिडली स्प्रेड हुआ है मासिस में द मासिस मतलब लोगों के बीच में ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो फॉर है वो हमारा इलेटिव हो गया ऑल प्रिकॉशंस मतलब सारी प्रिकॉशंस जो है नेग्लेक्ट की गई हैं इग्नोर की गई हैं उन्हें हट दिमाग से निकाला गया उनको फॉलो नहीं किया गया तभी जो ये एपिडेमिक है जो ये एपिडेमिक है ये मासेज में बहुत जल्दी फैल रहा है पहले बच्चों जब कोरोना आया था तब वो भी एक एपिडेमिक था ठीक है लेकिन अल्टीमेटली वो एक पैंडमिक बन गया क्योंकि वो वर्ल्ड पूरा ओवरऑल द वर्ल्ड फैल गया ठीक है पहले इट वाज एपिडेमिक छोटी छोटी जगहों पे हो रहा था इसलिए एपिडेमिक बुला रहे थे अब जो है वो पैंडेमिक है बिकॉज वो पूरे ऑल ओवर ग्लोब ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं इन्हें को भी बोलते हैं ये कंजंक्शन जो है पेयर में यूज होते हैं सम को रिलेटिव आर ईदर और नीदर नॉर बोथ एंड दो येट ये सारे देख रहे हो ईदर नीदर नॉर नीदर बोथ एंड दो येट ये सब हम साथ में यूज करते हैं इट्स नीदर दैट नॉर दिस ठीक है दोनों साथ में है कैसे देखो एग्जाम्पल्स और ये जो है ना वेन वी आर यूजिंग को रिलेटिव कंजंक्शन वी शुड टेक केयर दैट को रिलेटेड वर्ड शुड बी यूज एग्जैक्टली बिफोर द वर्ड्स टू बी ज्वाइंट ठीक है जब हम भी कोई भी को रिलेटिव कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोरिलेटेड वर्ड जो है वो उससे पहले आना चाहिए कैसे ही वॉज बोथ काइंड एंड जेनरस ठीक है ही वॉज बोथ काइंड एंड जेनरस ठीक है इसमें जो ये वर्ड है ना बोथ जो उन्हें जोड़ रहा है देख रहे हो ये बोथ देख रहे हो बोथ ये जो है तुम्हारे इन दोनों शब्दों से पहले आ रहा है ठीक है ये जो वर्ड्स हमें कोरिलेट करने थे ना काइंड और जेनरस ये वर्ड हमें कोरिलेट करने थे दोनों शब्द तो उनसे पहले बोथ आ गया है अब अगर मैं बोलती ही बोथ वस काइंड एंड जेनरस गलत क्योंकि इन दोनों शब्दों से पहले हमने नहीं लगाया को रिलेटिव कन्क्शन हमने इन और भी पहले लगा दिया तो ये गलत हो गया ये जो हमें वर्ड्स जोड़ने हैं उनसे पहले ही आना चाहिए क्या होना चाहिए उनसे जस्ट पहले आना चाहिए और ये देख रहे हो एंड काइंड से पहले बोथ आ गया जेनरस से पहले एंड आ गया तो दोनों सही है यहाँ पे काइंड से पहले बोथ नहीं आया वॉज आया है और जेनरस से पहले एंड आ रहा है लेकिन काइंड से पहले वॉज आ रहा है तो ये जो है इनकरेक्ट हो गया और ये करेक्ट हो गया ये ध्यान से रखना बात सब ओर्डिनेटिंग कनेक्शन हमारे टाइप थ्री हो गए अब हमारे टाइप थ्री ये क्या है ये सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं सबोर्डिनेटिंग क्लाउज इन सेंटेंस को इट कैन बी डिफाइंड एज अ कंजंक्शन ज्वाइनिंग सब ऑर्डिनेट क्लाउज टू मेन क्लाउज वेल फ्रेमिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बच्चों वो होता है जिसमें दो तीन सेंटेंस को जोड़ा जाता है और एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना जाता है वो सिंपल सा नहीं होता जैसे आई एम ब्यूटिफुल इट इज अ वेरी नॉर्मल सा सेंटेंस ठीक है आई वेंट टू द ब्यूटी पार्लर दैट्स वाई आई लुक ब्यूटिफुल ये क्या हो गया ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया एक ने तो बोला मैं खूबसूरत हूँ एक बोल रही है मैं ब्यूटी पार्लर से आई हूँ इसलिए मैं खूबसूरत हूँ ठीक है तो दोनों में शब्द दोनों बातों में डिफरेंस आ गया ना एक ने बहुत सिंपली बताया एक ने उसे कॉम्प्लेक्स करके बताया तो उन कॉम्प्लेक्स को जो जोड़ते हैं जो मेन बात के साथ मेन बात है कि आ, मैं खूबसूरत हूँ उससे आगे उसने जोड़ दिया कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी तो वो वाली बात तुम्हारी थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट या फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हो उसे वो जोड़ी उसने मेन सेंटेंस के साथ इसलिए अब हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे अब इनके भी सब टाइप्स होते हैं टाइप नंबर थ्री के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं और इनफैक्ट इसके तो बहुत सारे सब टाइप्स हैं यानी कि आठ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर 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 की बात करें तो ये क्लॉज ऑफ मैनर जो होता है एज इफ एज दो अकॉर्डिंग टू ये आपको याद रखने हैं ठीक है एक टेबल बनाना उसमें लिखना कि कोऑर्डिनेटिंग के देखो कोऑर्डिनेटिंग के ये एग्जांपल्स थे जिसमें भी सब टाइप्स में ये हैं फिर आप बताना कोरिलेटिव में ये वाले एग्जांपल्स लिख लेना सब कोऑर्डिनेटिंग में एग्जांपल्स डालने से पहले लिख लेना इट इज ऑफ एट टाइप्स आठ के आठ लिख के उनके एग्जाम्पल्स डाल देना एज इफ एज दो अकॉर्डिंग टू ये सब आ गया है आपके कंजंक्शन ऑफ मैनर में शी बिहेव एज इफ़ शी वर आम मिलेनियर ये